भोजपुरी देखे वाले सब दर्शक लोग के आज कल बानी हम ममता तिवारी राउर पसंदीदा प्रोग्राम ओ वुमनिया के लेके हर बार के लेखा ए बार भी ले अलबानी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या स्टार लोग से जुड़ल कुछ खास खबर जो जनला के बाद रोवा सबके बहुत खुशी होगी। आ प्रोग्राम के अंत में हम बताएं कुछ दर्शक लोग के मैसेज भी जे हर कोई भेजल अपन अपन फेवरेट स्टार खातिर। तो चलिए पहले शुरुआत कर जाओ आ खबर के जानल जाओ में जे में पहला खबर जुड़ल बटे निधि झा से। निधि झा लोलिया के नाम से मशहूर बड़ी बिहार से लेके भोजपुरिया दर्शक लोग का बीच में, लेकिन बहुत जल्द एक गैंगस्टर दुल्हनिया का रूप में भी रोवा सबके नजर आवे वाला बड़ी। काहे कि इनकर आवे वाला एक फिल्म के नाम बटे गैंगस्टर दुल्हनिया, जेकर टीजर रोवा सबके बहुत जल्द देखे के मिली टी सीरीज म्यूजिक पे। अब वहीं तक भोजपुरी फिल्म दो गो चार गो गिनल चुनल चैनल पर रिलीज होत रहल है, लेकिन निधि झा के फिल्म जे बटे वो टी सीरीज से रिलीज होके जा रहल बा। फिल्म ना टीजर जेकर जानकारी खुद निधि झा अपन फेसबुक टाइमलाइन से देली बड़ी। तो हम निधि झा के यही फिल्म से जुड़ल एगो खास खबर वो सबके दिखावे जा रहल बानी, देखी। भोजपुरी फिल्मों की लूलिया गर्ल निधि झा इन दिनों अपने लुक को लेकर खासा चर्चाओं में है, क्योंकि इनकी अपकमिंग फिल्म गैंगस्टर दुल्हनिया का लुक सामने आ गया है, जिसमें वो बड़ी खूबसूरत अवतार में नजर आ रही हैं। लाल लहंगे में बालों में गजरा लगाए निधि झा बेहद खूबसूरत रूप में नजर आए। इस तस्वीर को शेयर करते हुए निधि झा ने हाल ही में अपनी फिल्म की रिलीजिंग से जुड़ी एक अनाउंसमेंट भी की है। दरअसल निधि की फिल्म गैंगस्टर दुल्हनिया जल्द ही टी सीरीज से रिलीज होने वाली है, लेकिन पूरी फिल्म नहीं बल्कि इस फिल्म का टीजर आप लोग जल्द ही देखने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में लूलिया लीड रोल में नजर आएंगी और संजय पांडे के साथ गुंडागर्दी करती दिखाई देने वाली हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर लड़की के रूप में दिखाई दी हैं तो जाहिर है कि उनकी शादी भी किसी न किसी से जरूर होगी। तो बस यहीं पर थोड़ा सा ट्विस्ट है इस फिल्म में, क्योंकि दुल्हनिया बनकर निधि झा करने वाली है गुंडागर्दी। फिल्म की कहानी में वैसे तो बहुत सारे ट्विस्ट हैं, जिसकी पहली झलक आपको अपकमिंग फिल्म गैंगस्टर दुल्हनिया में देखने को मिल जाएगी। जाते जाते बता दें कि इस फिल्म का टीजर टी सीरीज से जल्द ही रिलीज किया जाने वाला है। वो सबके मालूम तो होखबे करी कि निरहुआ जे बड़े वो अपना अगला फिल्म के शूटिंग शुरू कर चुकल बड़े, जे फिल्म के नाम बटे शेरे हिंदुस्तान। आ उनकरा साथे ए बार ए फिल्म में रोवा सबके नया हीरोइन देखे के मिली हैं। काहे कि आम रूपाली अपना काम में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त नजर आ रहल बड़ी, जेकरा चलते अब एगो नया हीरोइन का साथे निरहुआ हाल ही में एगो तस्वीर शेयर कैले बड़े जो बहुत ही खूबसूरत बड़ी। आ निरहुआ के सपोर्ट में इतना दिन से आम रूपाली ना बोली हो, लेकिन हाल ही में एगो पोस्ट उहो शेयर कैले बड़ी शशिकांत का खिलाफ। फिलहाल ये मामला ना बिगाड़े के शशिकांत के नाम लेके कहे कि फिल्म के बात होता ही जा। तो हम फिल्म के बारे में बतावे जा रहे बने कि निरहुआ की जो फिल्म बटे शेरे हिंदुस्तान, ओमेगो नया बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस रोज सबके देखे के मिली है, जेकर तस्वीर निरहुआ अपन इंस्टा से शेयर करके दर्शक लोग से शुभकामनाएं मंगले बने। कहे कि एगो नया शुरुआत बटे नया हीरोइन का साथे। तो हम ए हीरोइन के एगो झलक रोज सबके दिखावे जा रहे बने, देखी। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग में लगे हुए हैं। हाल ही में अपने बॉर्डर फिल्म से निरहुआ ने जहां खूब सुर्खियां बटोरी, तो वहीं दूसरी तरफ निरहुआ अपनी अगली फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर चुके हैं। इस फिल्म का नाम है शेरे हिंदुस्तान, जिसके डायरेक्टर है दिवाकर। तो इस फिल्म के सेट से हाल ही में निरहुआ ने शेयर की है एक तस्वीर और फिल्म की कास्ट के साथ। शेयर करते हुए बताया है कि फैंस का आशीर्वाद चाहिए, वो जल्दी फिर से फिल्म लेकर आने वाले हैं। वेल जानकारी के लिए बता दें कि निरहुआ के साथ उस तस्वीर में एक नई हीरोइन नजर आई है जो बड़ी ही है खूबसूरत। ये हीरोइन निरहुआ की बॉर्डर फिल्म में दिखाई देंगी ये बात तो तय है, लेकिन इस बार लगता है आम्रपाली निरहुआ के साथ नजर नहीं आ पाएंगी, क्योंकि आम्रपाली जोरों शोरों से अपनी फिल्म लागल रहा बताशा चाचा की शूटिंग कर रही हैं, जिस कारण उनके पास समय की कमी है। वेल अगर निरहुआ अपने इस नई खूबसूरत हीरोइन के साथ भी दिखाई देंगे तो फिल्म हिट होगी, ये बात तय है। निरहुआ की फिल्म बॉर्डर देखला के बाद कई दर्शक लोग के इंतजार होत होगी कि भाई जल्दी से अगला देशभक्ति फिल्म रिलीज हो को। तो वो दर्शक लोग खातिर अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई बा, काहे कि खुशी के खबर आवा था कि बहुत जल्द रिलीज होके जा रहल बा अक्षरा सिंह की फिल्म माँ तुझे सलाम। वो हो 15 अगस्त के मौका पर, यानी एक या दो महीना बाद, लेकिन एकरा साथ ही
प्रदीप पांडे चिंटू के फिल्म दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 भी रिलीज होगी। लेकिन फिलहाल हम लेके आई बनी अक्षरा सिंह के फिल्म मेरी जान तिरंगा है सुभी शर्मा के एगो फिल्म बाटे। लेकिन जे माँ तुझे सलाम अक्षरा सिंह के फिल्म बा वो अगस्त में रिलीज होके जा रहल बा। माने अगस्त में बहुत सारा देशभक्ति फिल्म 15 अगस्त के मौका पर एक साथ भिड़ सकतारी सा। तो फिलहाल हम अक्षरा सिंह के फिल्म से जुड़ल एगो खास खबर वो सब खातिर ले बनी देखी। भोजपुरी सिनेमा की मिर्गनैनी अक्षरा सिंह की इस साल की सबसे बड़ी फिल्म मां तुझे सलाम का रिलीज डेट आ चुका है। जी हां, 15 अगस्त को मां तुझे सलाम फिल्म रिलीज होने की बात कही जा रही है। 15 अगस्त जिस दिन भारत के लिए भी खास दिन होता है और उसी दिन अक्षरा सिंह की फिल्म देशभक्ति फिल्म भी रिलीज होगी। वैसे इस फिल्म में अक्षरा सिंह के साथ एक और हीरोइन का जलवा देखने को मिलेगा और वो है मधु। जी हां, मधु शर्मा भी इस फिल्म में एक अलग ही किरदार में नजर आने वाली है। वैसे अक्षरा सिंह के इस फिल्म के रिलीज होने की जानकारी है उन्होंने खुद अपने इंस्टा के जरिए दर्शकों को दी है। वैसे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस फिल्म में दर्शकों को हर किसी की तरफ से एक्शन और रोमांस तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन इसी के साथ इस फिल्म में दर्शकों को एक अलग तरह का देश के प्रति प्यार भी देखने को मिलेगा। वैसे अब दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि आखिर ये फिल्म रिलीज हो जल्द से। अगला खबर जो जुड़ल बन निरहुआ से। निरहुआ आजकल छाइल बड़े पूरा तरह से इंडस्ट्री में और खूब चर्चा बटोरा तरह का है कि हाल ही उनकर फिल्म जो बॉर्डर बटे वो व्यवसाय का मामला में बहुत आगे निकल जाती है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा भी है। अब वहीं तक 6 दिन 7 दिन बीत गए, अब वहीं तक लोग भीड़ का साथ ये फिल्म के देखे जाता, अब वहीं तक सब शो हाउसफुल जाता। तो निरहुआ के बात से खुशी तो होखबे करी, लेकिन हाल ही में रहुआ सब बॉर्डर रिलीज होकला के बाद इहो खबर सुन ले हो कम कि निरहुआ के छोट भाई प्रवेश लाल यादव भी आर्मी में रले हों, लेकिन उनकर मन ना लगल, यही से वो फिल्म मेकिंग में आ गए लें, प्रोडक्शन हाउस चलावे लगले। लेकिन फिलहाल निरहुआ से भी जुड़ल एगो ऐसा ही खबर आ रहा बा कि अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में ना रहते तो वो फौज के नौकरी में जरूर रहते, काहे कि उनकर दिली इच्छा ही रहे कि मने बॉर्डर पर वो लड़स पड़ोसी देश के जो सर्जिकल स्ट्राइक बार बार होता उसे जुड़ल भी एगो बहुत अच्छा बात कहले रहले हो जो हम लोग सब खातिर लेके आइल बनी देखी। भोजपुरी के जुबले स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपनी फिल्म बॉर्डर के प्रमोशन के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है और शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी भोजपुरी फिल्म का इतना ज्यादा प्रमोशन किया गया। लेकिन निरहुआ ने इस फिल्म का प्रमोशन इसलिए किया क्योंकि निरहुआ के दिल के बेहद करीब है फिल्म बॉर्डर, और उसी वजह को बताते हुए निरहुआ ने अपने इंटरव्यू के दौरान इस बात को साफ किया कि आखिर इस फिल्म में निरहुआ के दिल के वो इतने करीब क्यों है। जी हां, निरहुआ ने कहा कि आज के समय में जो कुछ भी देश की सीमा पर हो रहा है और जो कुछ भी पड़ोसी देश बार बार गलती कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बताने के लिए कि अगर भारत ने अपनी तरफ से नियमों का उल्लंघन कर दिया तो क्या हो सकता है। इस सोच के साथ निरहुआ ने अपनी फिल्म बॉर्डर बनाई और अपने फिल्म के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि अगर भारत देश की सेना जब अपने आप पर आ जाए तो वो कुछ भी काबू करना मुश्किल हो जाएगा। ताज़ा खबर चले गए समय हो चुकल बा, लेकिन जाए से पहले हम बताई लेगो मैसेज जे हर कोई अपन फेवरेट स्टार खातिर भेजेला। आज मैसेज भेजले बड़ी सरोज तिवारी, ये लिखा तारी कि भोजपुरी फिल्मों के गाने तो बहुत अच्छे अच्छे और शानदार होते हैं, लेकिन प्लीज़ भोजपुरी स्टारों को थोड़ा अपने डांस पर काम करने की ज़रूरत है। एक ही तरह के स्टेप कई बार नजर आते हैं फिल्मों में, डांस पर थोड़ा काम कीजिए और कुछ नया स्टेप्स लेकर आइए। तो अगर सुन रहल बा सब स्टार लोग तो गौर जरूर फरमाए। आज सरोज के मैसेज करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो चले के समय हो चुकल बा, जा तो नहीं हम, लेकिन जाए से पहले कहल चाहें कि रउआ लोग कहीं मत जाए, लोग देखत रही नेक्स्ट 9 न्यूज से जुड़ल हर लेटेस्ट अपडेट। फिलहाल खातिर हमरा के दी इजाजत, कहे कि अब वहीं जाए तब वहीं अगला प्रोग्राम में आए। फिलहाल खातिर दी इजाजत, प्रणाम।